हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी नाइन से। आज हम देखेंगे आपको नोज़ कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपकी थोड़ी थिक है या आपकी थोड़ी शॉर्ट है तो उसे कैसे परफेक्ट स्लिम पॉइंटेड नोज़ बनाना है, आज हम ये देखेंगे। तो मैंने सारा फेस मेकअप कर लिया है, सिर्फ मेरा नोज़ कंट्रोल बचा है। मेरी नोज़ ऐसी दिखती है विदाउट कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट हो ही, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्रीम पाउडर कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप पाउडर कंट्रोल भी कर सकते हैं। पाउडर कंट्रोल के लिए मैं यूज़ करूँगी सिवाना ब्रॉन्जर का, ये डार्क चॉकलेट जो है ये वाला। इससे थोड़ा नेचुरल सा कंट्रोल होगा, बहुत ज़्यादा हार्श कंट्रोलिंग नहीं होगी। आपको मैं क्रीम से भी करके दिखाऊंगी। और आप के पास अगर क्रीम कंट्रोल नहीं है तो आप कोई भी ब्राउन लिप लाइनर या फिर आप आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक सा ही दिखता है। तो डिफरेंस नहीं दिखता है, इसके लिए मैं आपको एक तरफ लिप लाइनर और एक तरफ कंट्रोल क्रीम से करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने बहुत फाइन ब्रश लिया है, इसमें मैं डार्क चॉकलेट क्रीम कंट्रोल कलर ले रही हूँ। और जब भी आप मार्क करें नोज़ कंट्रोलिंग के लिए तो आपको आईब्रोज की यहाँ से करना है, आपको ये जो आपका नेचुरल शेप है उसे ही फॉलो करना है, बस हमें उसे थोड़ा डिफाइन करना है। तो लाइन यहाँ से बनाना शुरू करें, और जो आपका नोज़ का हाई पॉइंट है ये सेंटर वाला, इसके बहुत करीब रखें अगर आपकी नोज़ थिक है तो, क्योंकि हमें स्लिम शो करना है तो हम ज़्यादा दूर नहीं रख सकते वरना वो थिक दिखेगा। अब मैं लैक्मे का वॉलनट लिप लाइनर ले रही हूँ और सेम प्रोसेस इस तरफ भी। आप देख रही हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भले ही थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, बट हम इसे ब्लेंड करेंगे और ये परफेक्ट हो जाएगा। अब लाइटर शेड यूज़ करना है ताकि आपका नोज़ शार्प दिखे, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एले प्रो कंसीलर। ये मेरी स्किन से एक शेड लाइट है, मुझे ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं पसंद है इसलिए, तो मैंने यहाँ पे किया। अगर आपकी नोस्ट्रल्स ये ज़्यादा थिक हैं तो आपको यहाँ पे भी डार्क शेड यूज़ करना है ताकि एक शैडो क्रिएट हो और आपकी नोज थिन दिखे। अब हम सारा ब्लेंड करेंगे, इसके लिए मैं ये पॉइंटेड ब्रश ले रही हूँ ताकि हमने जो लाइन बनाई है उसी लाइन में रहकर बट ब्लेंड हो जाए सब कुछ। बहुत ध्यान से ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा बिखराना नहीं है हमें लाइन को, बहुत लाइटली। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से स्ट्रेट जाऊंगी ताकि जो भी हार्श एजेस हैं वो रिमूव हो जाए और जो हमारा सेंटर का हाइलाइटेड एरिया था वो भी। अगर आपको लगता है आपका ये पार्ट बहुत बाहर है तो यहाँ पे भी आप डार्क कलर लगाकर एक शैडो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका लेंथ लगेगा कि सिर्फ आपकी नोज़ यहाँ तक है। मैंने ब्लेंड कर लिया हाइलाइटेड पार्ट, इधर जो हमने डार्क लगाया था इसे भी कर लिया। अब हमें सब कुछ सेट करना है तो हम पाउडर कंट्रोल करेंगे। पाउडर कंट्रोल के लिए मैं ये सिवाना कलर्स का ये डार्क ब्राउन पाउडर ले रही हूँ, जिसे मैंने ब्लेंड किया है मैं उसी से ले रही हूँ। बहुत कम लेंगे, ये बहुत पिगमेंटेड है तो ध्यान रखें कि आप एक टाइम पर कम अमाउंट ही लें, वरना ज़्यादा हो जाएगा तो एक हार्श लाइन दिखेगी जो कि अच्छी नहीं है। सिर्फ आपका जो हमने क्रीम कंट्रोल किया है वो मूव ना हो इसलिए हम कर रहे हैं। एक बार डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर लेंगे ताकि ब्लेंड हो जाए और एक ड्राइंग जैसी लाइन ना दिखे। अब हमें जो हाइलाइटेड पार्ट था
उसमें हम हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर के लिए मैं सेम किट से ये सिल्वर और गोल्ड दोनों मिक्स कर रही हूँ। ये दिख रहा ज़रूर पिंक है बट एक्चुअली ये गोल्ड आता है, बहुत डस्टी सा गोल्ड है, ये आप देख सकते हैं वाइटिश सा गोल्ड है, ये बिल्कुल भी पिंक नहीं है। तो मैं दोनों मिक्स कर रही हूँ थोड़ा अमाउंट दोनों से। और अब आप चाहें तो आप पूरी नोज़ के ब्रिज पे लगा सकते हैं और नहीं तो टिप पे और यहाँ, सिर्फ नेचुरल शाइन के लिए, और नहीं तो पूरे में भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी शार्प नोज़ कंटूरिंग। इससे आपको एक अपीरियंस आएगा कि हाँ आपकी नोज़ थिन है या शार्प है, और बहुत ही ब्लेंडेड रखेंगे ताकि ज़्यादा शार्प ना लगे, ताकि दिखे ना कि आपने एकदम हैवी कंटूरिंग की है। नेचुरल रखिए, ज़्यादा हार्श रखने से वो बहुत ही आर्टिफिशियल दिखता है और बहुत गंदा दिखता है, पैची दिखता है, पूरी ऐसा दिखता है कि आपने ड्राइंग की अपने फेस पे, तो वो नहीं होना चाहिए। ब्लेंड करें अच्छे से, और बस इतना ईजी था आपको नोज़ कंट्रोल करना। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। Thank you.